दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, देन उसके बाद जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आरटीओ ऑफिस लेके जाना होता है अपना फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए होते हैं वो किस तरीके से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो है उन्हें प्रिंट आउट निकलवा के आपको अपने साथ लेके जाना होता है फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो तो आपके पास होने ही चाहिए, वो है जैसे कि आपका एड्रेस प्रूफ, आपकी एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो उसके लिए जो है आप पैन कार्ड को अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आधार कार्ड को कैरी कर सकते हैं, आधार कार्ड पे आपका एड्रेस प्रूफ भी होता है, एंड उसी के साथ यहाँ पे आप अपनी 10th की मार्कशीट ले सकते हैं जिस पे कि आपकी एज होती है। तो वहाँ पे एज प्रूफ के लिए आप अपनी 10th की मार्कशीट को भी कैरी कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चाहिए होते हैं वो जब आप लर्नर लाइसेंस एंड रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी आपने डेटा वहाँ पे फीड किया होता है उसी डेटा से जो है आपके ऑटोमेटेड जनरेटेड यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स बन जाते हैं, जिन्हें कि आपको सिंपल यहाँ पे अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में डाउनलोड करना है, एंड उसके बाद आपको उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना है किसी भी साइबर कैफे में जाके। तो यहाँ पे वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे parivahan.gov.in की ऑफिशियल साइट पे इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स, सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ये फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर्म, एंड उसके बाद प्रिंट फॉर्म 1, एंड उसके बाद फॉर्म 1A, एंड उसके बाद प्रिंट एक्नॉलेजमेंट आपको ये भी प्रिंट करना है, एंड उसके बाद स्लॉट एक्नॉलेजमेंट को आपको प्रिंट करना है, एंड उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, सिंपल आपको यहाँ पे ऊपर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में सेव करके रख लेना है, एंड उसके बाद इसी पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट फॉर्म 1 के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म 1 यहाँ पे आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, एंड उसके बाद फिर से आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे सेव कर लेना है, एंड फिर से आपको इसी पेज पे आने के बाद प्रिंट फॉर्म 1A का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऊपर बताया जाएगा दिस फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों, अगर आपकी 40 से एज कम है तो ऐसे में जो है आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, एंड उसके बाद जो है आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपकी रेफरेंस स्लिप आपको यहाँ पे इस तरीके के देखने को मिल जाएगी, तो इसे भी आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और इसे भी आपको सेव कर लेना है, एंड उसके बाद जो आपने स्लॉट बुक किया था उसका भी आपको प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए आपको प्रिंट स्लॉट एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपका स्लॉट बुकिंग में आपकी डेट एंड टाइमिंग भी आपको बता दी जाएगी जिस डेट को आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए जाना है। तो इसे प्रिंट करने के लिए सिंपल आपको नीचे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इसे भी आपको सेव कर लेना है, एंड लास्ट में आपको यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी आपने पेमेंट किया होगी सिंपल आपको उसकी भी रिसिप्ट लेके जाना है, तो आपको सिंपल पेमेंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद जो भी आपने पेमेंट की होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, सिंपल आपको इसे सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आपको प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी रिसिप्ट यहाँ पे प्रिंट होने के लिए आ जाएगी। सिंपल आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे भी अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल में सेव करके रख लीजिए, एंड इन सभी को यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद, सेव करने के बाद अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल में आपको किसी भी साइबर कैफे में जाना है और वहाँ से इन सभी का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, एंड उसके बाद जो है आपको अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, एंड उसी के साथ 10th की मार्कशीट को अटैच कर लेना है, एंड उसके बाद जो है जिस भी डेट एंड टाइम को आपने सेलेक्ट किया है, अपना स्लॉट बुक किया है, उस डेट एंड टाइम को आपको अपने आरटीओ ऑफिस चले जाना है और वहाँ पर आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।